और आज के हमारे इस मुकाबले के मुख्य निर्णायक नसीम अनवर मनीष सक्सेना। तो आइए प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं पहली गेंद से जो कि डालने जा रहे हैं अमरनाथ। अब सामना करेंगे उज्जवल। और ये शुरुआत वाइट के साथ की गई है अमरनाथ के द्वारा। एक अतिरिक्त रन से खाता खुलते हुए यहां पर पीएस फाइट इसका। एक और अतिरिक्त रन। एक अच्छी गेंद, उसी के साथ गेंदबाजी का भी खाता यहां पर एक गेंद के साथ खुलते हुए। टिप खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद। एक अच्छी गेंद, जॉकर लैंड की गेंद, पैरों पे लगी गेंद, इसी के साथ बाय का इशारा अंपायर के द्वारा। एक अतिरिक्त रन जुड़ते हुए यहां पर पीएस के खाते में। स्ट्राइक पर आए हैं तनवीर जो कि सामना करेंगे और अमरनाथ की अगली गेंद का। पटकी हुई गेंद, हमें में गेंद और ये पहला झटका लगते हुए यहां पर पीएस फाइटर्स को तनवीर के रूप में। भैया स्कोर चालू करो ना, मैच चालू हो गया। हाउ 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 भैया, पहला झटका, पहली सफलता और पवेलियन का रास्ता देखते हुए यहां पर तनवीर पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए काफी ज्यादा नाराज नाखुश अपने आप से। पहली सफलता अमरनाथ के द्वारा। और तनवीर का स्थान लेकर क्या है जित्तू। एक अच्छी गेंदबाजी, अपने लय में वापस आते हुए दो अतिरिक्त रन देने के बाद अमरनाथ। पुनः एक अच्छी गेंद, गेंद फील्डर नीचे आते हुए लेकिन ज्यादा दूर। इस बीच एक रन चुराने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। काफी अच्छा प्रयास वहां फील्डर अरिजीत मौजूद। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। पुनः एक अच्छी गेंद,
हल्के हाथों से खेल दिया है, एक रन लेने में कामयाब और दूसरे की कोशिश लेकिन नाकार। वहां पर जीतू ने आगे बढ़ के खेलना चाहते थे और एक दमदार शॉट वहां पर। एक रन लेना चाहते थे उज्जवल लेकिन नाकारा। इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन एक विकेट के नुकसान पर पीएस फाइटर्स के। देखना होगा दूसरा ओवर कप्तान किसके हाथों में गेंदबाजी का कमान देते हैं। और एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार मुकाबले में एडवोकेट्स प्रीमियर लीग 2024 सीजन 2 के। आज के इस मुकाबले जो कि खेला जा रहा है पीएस फाइटर्स वर्सेस गैलेक्सी स्टार्स के मध्य। अपनी पारी का पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर के आ रहे हैं परवेज। एक अच्छे गेंदबाज शानदार गेंदबाज हर बार जब गेंदबाजी का कमान उनके हाथों समाया जाता है थमाया जाता है विकेट निकालते हैं परवेज। एक शानदार ऑलराउंडर है और परवेज की गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर मौजूद उज्जवल। शॉट पीछे गेंद घुमा के खेल दिया है और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर पहली बाउंड्री निकलते हुए यहां पर पीएस के बल्ले से और इस बार उज्जवल के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार चौका। फुल टॉस गति की गेंद और एक और 4 रन यहां पर निश्चित ही अगर झुकते तो दो गेंदों में दो शानदार बाउंड्री लगाते हुए यहां पर उज्जवल। ऐसा लगा कि वीरू भी यहां पर भूल गए कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं और पैरों का इस्तेमाल करने लगे।
परवेज की अगली गेंद, सामना करेंगे उज्जवल। पुनः एक फुल टॉस गति की गेंद और अच्छी फील्डिंग यहां पर अरिजीत के द्वारा। शाम को मैं एक बार मॉर्निंग में बताऊं, 7 बजे हम लोग का शेड्यूल लिया है, हम लोगों का मैच है कल, हम लोग का वकील लोगों का मैच चल रहा है ना भैया। हाँ यदि यहीं चुनो भी। और परवेज की अगली गेंद, सामना करेंगे जीतू। बिल्कुल 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 भैया, मैं शेड्यूल मेरे पास आ गया है, कितने बजे हम एक बार देख करके ना बता देता हूँ। हाँ अरे नहीं नहीं भैया, भैया बात नहीं, मैं बिल्कुल अगर पहुँच गया ना तो मैं पक्का आ जाऊँगा भैया। मैं आपको, मैं हो सके तो मैं रात को ही ना मैसेज कर दूँगा। कहाँ पर है भैया? और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अपनी पारी का पहला और टीम के लिए 3रा ओवर लेकर के आ रहे हैं। हेलो जी चाचा, हाँ वो सिग्नल खत्म हो गया था चाचा, सिग्नल खत्म हो गया था, अभी जस्ट बात किया हूँ मैं तुरंत। जी जी सिग्नल रुक गया। हेलो हाँ चाचा, हाँ हाँ बोल रहा हूँ चाचा, उसी को बोल रहा था, वो सिग्नल कट हो गया है ना, सिग्नल कट हो गया। फिर कौन चिल्ला रहा है? भारत आए हैं अपनी पारी का पहला और टीम के लिए 3रा ओवर लेकर के, सामना करेंगे उज्जवल। पुनः एक अच्छी गेंद, घुमा के खेलना चाहते थे लेकिन फील्डर वहां मौजूद। इस बीच 1 रन से काम चलाना पड़ेगा यहां पर बल्लेबाजों को, लंबे हिट लगाने के प्रयास में थे। एक अच्छी गेंद लेकिन फील्डर वहां मौजूद। चल रहा है भैया 2 मिनट, जब नहीं रहता स्कोर तो कैसे करते हैं भैया, थोड़ा जल्दी चलाओ ना, फोन कर रहे हैं बार बार। हेलो हेलो,
उठा के खेल गया और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। एक बढ़िया शॉट यहां पर जितेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पुनः एक दमदार शॉट और ये अगर डायरेक्ट हिट लगता तो निश्चित ही पवेलियन का रास्ता दिख जाता यहां पर उज्जवल को। एक अच्छी फील्डिंग और एक अच्छा थ्रो। यू कहूं कि जीवन दान के तौर पर के देखना होगा कि उज्जवल इस जीवन दान का किस तरह से फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि क्रिच से काफी ज्यादा दूर थे और अगर डायरेक्ट हिट लगता तो सीधा पवेलियन तरफ उन्हें जाना पड़ता। पुनः उसी दिशा में खेलना चाहते थे और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अपनी पारी का दूसरा और टीम के लिए 4th ओवर लेकर के आए अमरनाथ, जिन्होंने अपने पहले ओवर में पहली सफलता हासिल की थी। और एक अच्छी गेंद एज लगा और डायरेक्ट हिट, लेकिन बैट्समैन वहां पर पहुंच चुके थे। एक अच्छा हिट वहां पर स्वयं एक अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर मौजूद संगीत, अगर संगीत जी हैं तो एक बार हाथ उठा देंगे। अरे वाह बिल्कुल पहचान लिया था आपको भी हमें। पुनः एक अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद घुमा के खेलना चाहते थे लंबे यहां पर जितेंद्र, लेकिन चूके। अच्छी गेंदबाजी यहां पर अमरनाथ के द्वारा, निरंतर गति में परिवर्तन दिशा में परिवर्तन और ये दूसरी सफलता जीतन के तौर पे लगी यहां पर अमरनाथ, रास्ता दिखा दिया है जितेंद्र को अपने शॉट से काफी ज्यादा नाखुश जितेंद्र। और जितेंद्र का स्थान लेकर के आए हैं स्वयं सौरभ सिंह ठाकुर उर्फ कटप्पा। एक अच्छी गेंदबाजी यहां पर अमरनाथ के द्वारा, 2 विकेट लिए उन्होंने और दोनों ही विकेट अमरनाथ के खाते में जाता हुआ। काफी सूझबूझ और वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हुए यहां पर अमरनाथ। सौरभ आए हैं जितेंद्र का स्थान लेकर के देखना होगा। एक अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, पैरों पे लगी गेंद एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करने उतरते हैं सौरभ, एक साइड के पैंट को ऊपर करके
आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, बम थे और एक रन लेने में कामयाब। लंबे लंबे विकेट लगाने के नाम से जाने जाते हैं सौरभ। सौरभ एक बार इधर देख दे, ठीक है। पुनः एक अच्छी गेंद, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर सौरभ ने। और चार ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छे रन को रोकते हुए यहां पर अमरनाथ 28 रन दो विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी यहां पर अमरनाथ के द्वारा इस ओवर में। मेरे साथी स्कोरर कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं मुझे बगल में बैठे हुए। आशिक हुए बैठे हैं। प्यार का चक्कर बाबू भैया, प्यार का चक्कर। और अपनी पारी का पहला और टीम के लिए पांच ओवर लेकर के आ रहे हैं जी, सॉरी अक्षत भाई, भाई है कोई बात ही नहीं है। अरे तुम ऐसी बात को नहीं करता ना। अक्षत आए हैं अपनी पारी का पहला और टीम के लिए पांच ओवर लेकर के। सामना करेंगे धुआंधार बल्लेबाज सौरभ सिंह ठाकुर। और हवा में गेंद लेकिन फील्डर काफी ज्यादा दूर। बहुत ही अच्छा प्रयास लेकिन बॉल उनके ऊपर से निकल गई बाउंस खाने के बाद। उन्होंने जंप भी बहुत अच्छा लगाया था, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए यहां पर वीरू 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 वीरू। वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, निरंतर लंबे हिट लगाने के प्रयास में है सौरभ। एक भी हिट उनके बल्ले में आकर के लगी तो सीधा बाउंड्री के बाहर ही जाएगी। इस एग्रेशन के साथ खेलते हैं सौरभ। और पुनः एक अच्छी गेंदबाजी, फिर बैट्समैन से काफी ज्यादा दूर थी लेकिन हल्के हाथों के साथ खेल दिया है। इनर एज लगा और एक रन चुराने में कामयाब हुआ सौरभ। उज्ज्वला है स्ट्राइक पर, सामना करेंगे अक्षत की अगली गेंद का। एक अच्छी गेंद लेकिन फील्डर वहां मौजूद। निश्चित ही वीरू को यह लग रहा होगा कि जहां मैं जाता हूं गेंद वहीं क्यों आती है, कभी तो मेरा पीछा छोड़। और वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। उनका कहना है कि दूसरे लाइन मतलब वो लाइन के पार हो गया था, यही बोलते हैं। और
और एक अच्छी गेंद, बाउंस खाने के बाद स्विंग और इतना स्विंग की वाइड दे बैठे अक्षत। पुनः एक लंबे हिट लगाने के प्रयास में थे, गति में परिवर्तन किया अक्षत ने और सौरभ चूके। हवे में गेंद, फील्डर नीचे आते हुए देखना होगा ले पाते कि नहीं, और ये तीसरा झटका सौरभ के रूप में लगता हुआ। हर पांच ओवर के बाद एक ड्रिंक्स ब्रेक यहां पे आयोजन समिति के द्वारा मैनेज किया गया है कि ताकि बार बार मैच के बीच में डिस्टरबेंस ना हो। एक शानदार मुकाबला यहां पर पीएस फाइटर्स वर्सेस गैलेक्सी स्टार्स के मध्य खेला जा रहा राजा रघुराज सिंह स्टेडियम हेलो चेक भाई कट क्यों रहा है भाई हेलो चेक हेलो हेलो चेक और सौरभ का स्थान लेकर के स्वयं कप्तान बल्लेबाजी का कमान संभालने के लिए यहां पर मौजूद आकाश। पहला टीम के लिए छठा ओवर लेकर के आ रहे हैं शैलेश।
एक अच्छी गेंद यहां पर और दिशा में खेलना चाहते थे। एक अच्छा शॉट, दमदार शॉट, लेकिन फील्डर वहां मौजूद। उठा के खेल दिया है फील्डर नीचे आते हुए और एक और झटका लगते हुए यहां पर चालू किया ना भाई, मैं सबसे पहले चालू किया। खत्म हो गया भैया, खत्म हो गया भाई, इनके पास है एक अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर अरजीत के द्वारा। उज्जवल का स्थान लेकर के आए सुशांत, जो आते साथ एक रनों के साथ अपना खाता खोला है कैप्टन टू कैप्टन। एक अच्छी गेंद और इस बीच एक रन चुराने में पुनः कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, छह ओवर की समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता स्कोर 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर अपनी। अपनी पारी का दूसरा और टीम के लिए 7वां ओवर लेकर के आ रहे हैं परवेज।
व्हाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। व्हाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। पटकी हुई गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर, छह रनों के लिए एक दमदार शॉट सुशांत हुआ। कृपया ओवर्स के बीच में दोनों ही टीमों से मेरा निवेदन है, ओवर्स के बीच में ड्रिंक लेकर के मत आए।
पुनः एक पट की दिन हवे में गेंद काफी देर और फील्डर नीचे आते हुए अच्छी फील्डिंग वहां पर एक रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। उन्हें एक अच्छी गेंद और दमदार शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर फ्लैट सिक्स एंड इट कवर्स द क्लियर्स द बाउंड्री। सात ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अपनी पारी का दूसरा और टीम के लिए आठवां ओवर लेकर के आया है भरत। सामना करेंगे सुशांत। कौन मारा? चार बॉल में 20 रन। हैट्रिक छह मारा क्या? आगे बढ़ के खेलना चाहते थे सुशांत, लंबे हिट लगाने के प्रयास में थे। एक अच्छी गेंद और एक रन चुराने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। उधर जितने भी लोग खड़े हैं प्लीज आप लोग पीछे चले जाओ, ग्राउंड के बाहर चले जाएं प्लीज। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा दूर, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। और अच्छी गेंद हवे में है, गेंद फील्डर नीचे आते हुए और दो रन चुराने में कामयाब। एक कैच और फिर चला गया, एक अच्छा प्रयास के द्वारा। आगे बढ़ के खेला गया शॉट और आसानी से बाउंड्री को क्लियर करते हुए छह रनों के लिए।
आकाश के हवाले से निकलता हुआ ये शानदार और वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा पुनः ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा दूर हर गेंद में स्टंपिंग का प्रयास करते हुए यहां पर चेतन राज की बारात का फटाका फूटता है बढ़ावा दिखा रहे देखो कितना हवे में गेंद और ये क्या हुआ ये कैच चला गया और कैच ले लिया अंशुल ने एक आसान ऐसा लग रहा है पैरों में उनकी चोट है लेकिन और इस विकेट के बाद मैं क्या देख रहा हूं कि धुआंधार बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके इनकी पारी देखने के लिए अपनी गेंद बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके हैं वैसे ही आ जाते हैं तो ये नजारा जैसे आप देख रहे हैं धीरे धीरे ग्राउंड में क्राउड और ऑडियंस बढ़ते हुए और जैसा कि मैं कह रहा था पप्पू मार रहा है आते ही साथ मार रहा है आते ही साथ चार रनों के साथ अपना खाता खोलते हुए पप्पू 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 का नाम सुनते ही मैदान खचाखच ते हुए अक्षत आए हैं अपनी पारी का दूसरा टीम के लिए 9 ओवर लेकर के बैटिंग पावर प्ले ले लिया गया यहां पर पीएस फाइटर्स के द्वारा और जी हां जिसका इंतजार था पप्पू के आने के बाद यह बैटिंग पावर प्ले लिया गया है स्ट्राइक पर है सुशांत दो रोका 12 गेंदों का यह मुकाबला बचा हुआ और काफी ज्यादा दूर थी निश्चित ही उन्हें प्रयास नहीं करना था लेकिन उन्होंने यह प्रयास करके थोड़ा सा गलती की और अपना विकेट दे बैठे सुशांत एक अच्छे लय में नजर आ रहे थे और इसी के साथ
पांचवा विकेट गिरता हुआ, छठवा विकेट गिरता हुआ यहां पर पीएफ फाइटर्स का, और सालसा नृत्य का प्रदर्शन करते हुए यहां पर खिलाड़ी मैदान में। एडवोकेट्स प्रीमियर लीग से एडवोकेट्स डांसिंग लीग बनता हुआ। बैट्समैन आए हैं, कौन आए हैं, बैट्समैन अगर रजत है तो अपना बल्ला ऊपर कर दें। जी हां रजत है, सही जवाब। मल्टीटास्किंग करते हुए यहां पर मेरे भाई स्कोरर एक हाथ में फोन में लगे, एक लाइव भी हैंडल कर रहे हैं और स्कोरिंग भी, क्या बात है। एक अच्छी गेंद, अगर गेंद और बल्ले का पुनः संपर्क होता तो निश्चित ही चेतन एक और कैच शानदार तरीके से लपक लिए होते। और दिस इज द सेम थिंग व्हाट आई सेड, एंड एक आसान सा कैच चेतन के द्वारा आए आए रजत जो आए थे वेरी गुड। और इसी ओवर में दूसरी सफलता मिलते हुए यहां पर अक्षत को, सातवां विकेट गिरते हुए रजत के रूप में करके। तेरा आवाज कैसे कट रहा है, कट रहा है। और व्हाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। हाँ हाँ भैया, वो सिग्नल लीक वो हुआ होगा। एक अच्छी गेंदबाजी, अपने लाइन से थोड़ा सा बट के यहां पर अक्षत, और पुनः ऑफ की दिशा में खेलना चाहते थे, कर क्या रहे हैं विजय समझ में नहीं आ रहा उनको। काफी ज्यादा नाखुश अपने आप से विजय। पासिंग द पार्स, अच्छी गेंद। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और नौ ओवर की समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और अपनी पारी का दूसरा, टीम के लिए 10वां ओवर लेकर के आ रहे हैं शैलेश। अरे यार पैसा दे रहे हैं भैया, समझा मेरे बात। अरे भैया ऐड बंद कर दो, ऐड बंद कर दो, स्कोरी चला है, ऐड ऐड मत चलाओ, ये लास्ट ओवर है इसके बाद चलाना। जी हां पप्पू आ चुके हैं स्ट्राइक पर, सामना करेंगे शैलेश की अगली गेंद का।
गंदा शॉट हवे में और ये खराब शॉट। पप्पू काफी ज्यादा नाखुश अपने आप से। इस शॉट के बाद कहीं संन्यास ना ले ले पप्पू। आठवां झटका लगते हुए पप्पू के रूप में। अच्छे लय में नजर आ रहे थे पप्पू आते साथ बाउंड्री से अपना खाता खोले थे, लेकिन अपने आप से काफी ज्यादा नाखुश नाराज। और पप्पू का स्थान लेकर क्या है योगेश। एक अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है बाउंड्री की तरफ और बाउंड्री चार रनों के लिए। चार गेंदें आनी बाकी है इस ओवर की, इस इनिंग्स की। और उठा के खेल दिया है फील्डर नीचे आते हुए और एक और झटका योगेश के रूप में। एक ही ओवर में दो झटके और दो विकेट चटकते हुए यहां पर शैलेश। इस गाने में भी कोई नाच के दिखाओ भाई। योगेश का स्थान लेकर क्या है योगिन। तीन गेंदें मानी बाकी है। दमदार हिट लगाने के नाम से जाने जाते हैं योगेंद्र। लंबे लंबे हिट्स लगाते हैं। देखना होगा इन दो गेंदों में क्या कमाल कर पाते हैं अपने टीम के लिए योगेंद्र। सामना करेंगे शैलेश की अगली गेंद का। और एक दमदार शॉट, डबल लेना चाहते थे योगेंद्र, लेकिन योगेंद्र को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। आखिरी गेंद विजय है स्ट्राइक पर। और दमदार शॉट, इसी शॉट का पिछले कितने बॉल हो गए, कितना बॉल हो गए, कितना बॉल खेला पिछले कई गेंद से इंतजार करते हुए विजय आज के इस टूर्नामेंट में बाउंड्री लगा करके इतने ज्यादा खुश हो चुके हैं विजय। आज सभी को पार्टी विजय की तरफ से। और इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 88 रन 9 विकेट के नुकसान पर 89 रन जीत के लिए चाहिए। किसको चाहिए? गैलेक्सी स्टार्स को। मिलते हैं इस इनिंग्स के ब्रेक के बाद। सिर फोड़ दोगे यार बेचारा आशिक।
हेलो मंच पर उपस्थित हमारे जिला अधिवक्ता संघ के सम्मानीय अधिवक्ता श्री टी आरिफ साहब और अनुराग तिवारी का एपीएल आयोजन समिति हार्दिक अभिनंदन करती है।
अंपायर से निवेदन है मैच थोड़ा सा जल्दी चालू कराएं। इसके बाद एक और मैच होना है। हेलो, पीएस फाइटर की माइक का थोड़ा साउंड बढ़ाएंगे प्लीज। हेलो, पीएस फाइटर के टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अट्ठासी रन का लक्ष्य दिया है गैलेक्सी स्टार के समक्ष। पीएस फाइटर की टीम ने कुल 88 रन बनाए हैं और गैलेक्सी स्टार को 89 रन का लक्ष्य दिया है। शशांक भाई माइक ले लीजिए। हेलो हेलो, चेक चेक चेक। फोटोग्राफर कहाँ है? भाई फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टेज के पास आ जाएं। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार मुकाबले में एडवोकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 का आज का मुकाबला जो कि खेला जा रहा है पीएस फाइटर्स वर्सेस गैलेक्सी स्टार्स के मध्य। और आइए शुरुआत करते हैं दूसरी इनिंग्स की। और ये पहली गेंद अंशु के बल्ले से निकलता हुआ ओपनिंग बाउंड्री, चार रनों के लिए एक शानदार शॉट। और पहली गेंदबाजी करने के लिए आए हैं आकाश। पुनः दमदार शॉट, बाउंड्री लाइन के बाहर, छह रनों के लिए। अपनी चोट का पूरा फायदा उठाते हुए अंशुल, ताकि रन नहीं दौड़ना पड़े। और निश्चित ही वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां पर पप्पू। एक पटकी हुई गेंद हवे में है, गेंद फील्डर नीचे आते हुए, लेकिन काफी ज्यादा दूर। इस बीच एक रन लेने में कामयाब।
स्ट्राइक पर आए हैं धुआंधार बल्लेबाज वीरेंद्र और राइट का इशारा अंपायर के द्वारा। नायक अच्छी गेंद अपनी लाइन अपने लय में वापस आते हुए आकाश और पुनः एक अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस बीच एक रन लेने में कामयाब और वीरेंद्र खाता खोलते हुए। पुनः ये पहला झटका अंशुल के रूप में एक अच्छे फॉर्म में एक अच्छे लय में शुरुआत की अंशुल ने और एज लगा और पवेलियन का रास्ता अपनाते हुए अंशुल रजत। हेलो हेलो चेक और अंशुल का स्थान लेकर के आए हैं चेतन। हेलो अपनी पारी का पहला ओवर लेकर के आए हैं सौरभ और टीम के लिए दूसरा ओवर सामना करेंगे वीरेंद्र। और इस बीच दो रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज एक बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। लेकिन ज्यादा पड़ती है तो आज फटे फटे नहीं फट नहीं रहे। अबे वो हो रहा है और एक बढ़िया शॉट यहां पर वीरेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ चार रनों के लिए। हो गया ना कोई रिव्यू नहीं आया ना अंपायर भी नहीं बोला ना। नहीं नो है कि नहीं है वो नहीं डाला ना साइन नहीं दिया ना तो सौरभ की अगली गेंद सामना करेंगे वीरेंद्र। और अपनी लाइन अपने लेग से भटकते हुए और एक अतिरिक्त रन दे बैठे यहां पर गैलेक्सी को वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा।
चाहते थे लेकिन नकार है यहां पर रजत ने, सॉरी चेतन ने। लंबे विट लगाने के प्रयास में थे वीरू लेकिन चूके। और ये टॉस कभी की गेंद और बाउंड्री लाइन से भी बाहर 6 रनों के लिए। प्रसून भी पता नहीं आए थे लेकिन दिखे नहीं। और पुनः घुमा के खेलना चाहते थे पीछे की तरफ वीरू। और एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट्स प्रीमियर लीग सीजन 2 के इस शानदार मुकाबले में। यॉर्कर लेंग की गेंद पैरों पे लगी, अपने आप से काफी ज्यादा नाखुश सौरभ। आयोजन समिति की तरफ से मंचा सिंह, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दावराम चंद्र, हेलो रवि पांडे जी, अनुराग तिवारी जी, आयोजन समिति के आशीष चतुर्वेदानी जी, आयोजन समिति के सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही बहुत धन्यवाद आयोजन समिति को इस शानदार मुकाबला, एक शानदार टूर्नामेंट अधिवक्ताओं के मनोरंजन के लिए कराने के लिए। और आप सभी यह मुकाबला जो देख रहे हैं राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में पीएस फाइटर्स वर्सेस गैलेक्सी स्टार्स के मध्य खेला जाना यह मुकाबला, जिसमें पीएस फाइटर्स ने 10 ओवरों में 9 विकेट खोकर के 88 रन बनाए हैं और 79 रनों का लक्ष्य गैलेक्सी स्टार्स को दिया है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर गैलेक्सी स्टार्स अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले जो है वो भी समाप्त हो चुका है। फील्ड में हल्का परिवर्तन करते हुए यहां पर कप्तान अपनी गेंदबाजी के अनुसार। अपने खिलाड़ियों को इधर उधर दौड़ाते हुए आकाश, एक बढ़िया बॉल उतना ही अच्छे से सम्मान दिया हल्के हाथों के साथ खेला और 1 रन चुराने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। दोनों ही धुआंधार सोच समझ सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए चेतन और वीरेंद्र, एक जो सिंगल डबल लेकर के अपने स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और एक धुआंधार पारी के साथ केवल बाउंड्रीज लगा रहे हैं। पिछले ओवर में वीरेंद्र ने अच्छी पारी खेली जिससे सौरभ काफी ज्यादा नाखुश अपने आप से। आकाश की अगली गेंद सामना करेंगे वीरू, पुनः हल्के हाथों के साथ खेल दिया है फील्डर वहां मौजूद विजय, 1 रन लेने में कामयाब। दोनों ही
अंपायर, अनुभवी अंपायर मनीष सक्सेना। हल्के हाथों से खेला गया यह शॉट, एक रन लेने में कामयाब। अच्छा थ्रो यहां पर अंतरराष्ट्रीय बिलासपुर के अंतरराष्ट्रीय प्लेयर पप्पू यहां पर मौजूद। जी हां, दोनों ही अनुभवी अंपायर मैदान में उपस्थित, मनीष सक्सेना जी, नसीम अनवर जी। अच्छी गेंद, हटके खेलना चाहते थे, वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। टाइम लगेगा यार, इसमें तो मेरा भूख लग रहा है। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छे हल्के हाथों के साथ खेला गया शॉट, फील्डर वहां मौजूद। एक रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। मैं जो कैच लिया नो बॉल नहीं था, ऐसे जा रहा था। अरे जो मैं कैच लिया उसका ना क्या नाम है, उसका जो ओपन है, हां रामटेक के प्रमोद रामटेक। एक अच्छी गेंद, और तीन ओवर की समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन एक विकेट के नुकसान पर। 42 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता यहां पर गैलेक्सी स्टार्स को, अपने एक महत्वपूर्ण विकेट उनका पवेलियन की तरफ वापस जा चुका है। अपनी पारी का पहला और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर के आए हैं जितेंद्र, सामना करेंगे वीरेंद्र। एक अच्छी गेंद और तो नहीं अच्छा प्रहार, एक रन लेने में कामयाब वीरो। अपने लंबे लंबे हिट लगाने के नाम से जाने जाते हैं, नाम ही काफी है, कॉम्प्लेन बॉय वीरो। एक अच्छी गेंद, लंबे हिट लगाकर लगाने के प्रयास में थे वीरेंद्र, घुमा के खेलना चाहते थे और सीधा गेंद कीपर के दस्तानों में जाती हुई।
कर दिया था, हमारे स्क्रीन में नहीं आ रहा। पैसे दे सकता हूँ, ले आओ, यहाँ कुछ भी नहीं है। या किसी को भेजवाओगे क्या? अभी एक और मैच होना है। अरे यहाँ लड़के नहीं है भैया, रुको मैं बोल रहा हूँ। टॉस गति के दिन हवे में गेंद और फील्डर नीचे आते हुए, शॉट तो दमदार था लेकिन अपनी सीमा के बाहर नहीं जा पाया और आसान सा कैच सुशांत के हाथों, दूसरा झटका। अंचल जरा, अरे वो किसी को बोल देता हूँ, वीडियो कॉल वाले पानी या फिर खाने आने का अगर कुछ जाते ही नहीं है, इन लोग को भी कुछ नहीं है। वहाँ नीचे से है क्या? आ रही है, नहीं आ रही थी, अभी बढ़वाया हूँ तुरंत, नहीं आ रही थी, मैं खुद चेक किया हूँ, वही तो बोले थे नहीं आ रही तब। अरे ऐसे देखो तुरंत, अभी यूट्यूब खुला ही मेरा, और दूसरा झटका लगते हुए यहां पर गैलेक्सी स्टार्स को चेतन के रूप में एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, अपने लय के साथ सुध-बुध के साथ खेल रहे थे लेकिन एक आसान सा कैच दे बैठे। एक अच्छी गेंद, पैरों पे लगी गेंद और रन लेना चाहते थे लेकिन नाकारा वीरेन ने, चेतन का स्थान लेकर के आए हैं प्रीतम। चल विजय, शाबाश बेटा, वही 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 तेरा ही विकेट है। इधर थोड़ा, इधर थोड़ा, इधर उज्जवल तेरे पास ही आएगा। और एक फिर पास है, अभी बोलने वाला हर कुछ भी, आज पूछ रहा हूँ ना, छह दिन से पास है, खाली पास है, पास है, हर चीज में पास है। अरे 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 ये 100 रन रहता ना तुमने क्या हालत कर दी, 80 रन कैसे भी बन जाए, बड़ा थोड़ा बन जाए, मैं रहता तो पूरा ये आगे पानी में, यही और
अभी क्या लग रहा है मतलब 50 रन बनाने हैं मैं कहाँ करूँ भैया लो 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 अरे भाई मैं कहाँ क्यों मैं करता हूँ दो चारों बार चाचा तब तक के किसी को ढूंढ के लाओ वीरू तो आ गया वीरू को बुला ले एक अच्छी फील्डिंग यहाँ पर आकाश कुंडू के द्वारा आखिरी गेंद आनी बाकी है इस ओवर की मैं माइक के माध्यम से ईश्वर जी को यहां आमंत्रित करना चाहूंगा ईश्वर जी जहां कहीं भी हैं प्लीज यहां पर आ जाएं अगला है ना अभी तो नहीं ईश्वर भैया सामने अरे इधर 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 स्ट्रेट डायगोनल स्ट्रेट कुर्सी में ईश्वर भैया जहां कहीं भी हैं प्लीज यहां पर आ जाएं मुझे पता है आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है लेकिन आप नजरअंदाज कर रहे हैं ईश्वर भैया और पांच ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 38 रन विकेट के नुकसान पर 30 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता गैलेक्सी स्टार्स को इस मुकाबले को अपने खेमे में लाने के लिए ईश्वर भैया जहां कहीं भी है प्लीज यहां पर आ जाए उज्ज्वल इस मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं अपने साथी कमेंटेटर ईश्वर जी को आमंत्रित करूंगा सिर्फ दो ओवर शेष क्या चीज अरे मैं ही कर रहा हूँ घर जाना है भाई भूख लग रहा है अरे मेरे घर जाना है बड़े 12 बज जाएगा यही खिला देते हैं कहाँ यहाँ ही नहीं मैं प्याज लहसुन नहीं खा रहा हूँ ना भैया और एक अच्छी गेंद और ये क्या हुआ टकरा गए एक अच्छा प्रयास
हाँ और हवा में है गेंद, फील्डर नीचे आते हुए एक अच्छा प्रयास उज्जवल के द्वारा। और ओहो, अगर ये डायरेक्ट हिट रहता और थोड़ा सा भी प्रयास करते अगर जीतू तो निश्चित ही लेकिन देखना होगा कि इस जीवन दान का किस तरह से उपयोग कर पाते हैं वीरेंद्र और प्रीतम। एक ही गेंद में दो जीवनदान। जी हाँ, एक शानदार धुआंधार गगनचुम्बी छक्का प्रीतम के बल्ले से निकलता हुआ। और हाथ में हुई गेंद जिस तरह गेंद इनके हाथों से फिसल रही है कहीं मैच ना फिसल जाए। चालीस रन और दमदार शॉट हवा में गेंद और अरे ऐसी गाने के हिसाब से दौड़ रहे थे एक और झटका प्रीतम के रूप में लगते हुए एक साथ दो दो बैट्समैन आते हुए किसका नाम लिया जाए। वीरेंद्र रिटायर होके पवेलियन की तरफ जाते हुए और दोनों ही बल्लेबाजों का स्थान लेकर के आए भारत और परवेश। है ना होते अपनी पारी का पहला और टीम के लिए सातवां ओवर लेकर के आ रहे हैं सुशांत। नहीं, कोई ठीक नहीं। ऑब्जेक्शन तो उठा रहे थे मेरे नाम से काम नहीं।
नहीं है, कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है यहाँ पर, मैं तो सीधा यही बोलता हूँ। एक अच्छी गेंदबाजी जमीन से चिपकी हुई रही, बिल्कुल भी मौका नहीं मिला यहाँ पर बल्लेबाज को कि लंबे हिट लगाने का प्रयास भी कर पाए। और लंबे हिट लगाने के प्रयास में थे परवेज, लेकिन निरंतर एक अच्छी गेंदबाजी के कारण काफी ज्यादा मशक्कत का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर सुशांत। और गैप ढूंढने के साथ ही साथ बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए, कोच यथार्थ का बहुत बहुत स्वागत है। पुनः एक दमदार शॉट, फील्डर वहां मौजूद और एक आसान से कैच, चौथा झटका परवेश के रूप में लगता हुआ। परवेश का स्थान लेकर के आ रहे हैं कप्तान शैलेश। अपने काफी अच्छे मोड़ पे आप पहुंचा है यह मुकाबला, 19 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता, सामना करेंगे सुशांत की अगली गेंद का शैलेश। अच्छी गेंद और सात ओवर की समाप्ति, इसी के साथ 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर गैलेक्सी स्टार्स की टीम। अगला ओवर लेकर क्या है सौरभ, और सौरभ को थोड़ा सा समझाते हुए विजय। अपनी पारी का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं सौरभ, सामना करेंगे भारत। और ग्राउंड के बाहर WWE चलते हुए रेफरी के तौर पे यथार्थ भी वहां मौजूद। और वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा, विवाद को सुलझाते हुए यथार्थ भी है वहां पर।
विवाद वहां शांत हो चुका है। एक दमदार शॉट और बाउंड्री लाइन के बाहर। छह रन। अरे हर किसी को बॉलर बॉल बस करता है, बैट्समैन का तो काम है मारना। पुनः एक गगन चुम्मी छक्का लगते हुए। अच्छा कैच ले सकते थे वहां पर सचिव रजवीर रवि पांडे। दो गेंदों में दो बाउंड्री लगा चुके हैं और वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। और अच्छी फील्डिंग, कूद के रोकते हुए पप्पू। एक अच्छा शॉट, फील्डर वहां मौजूद। एक ही रन से काम चलाना पड़ेगा। और पुनः बाउंड्री लाइन के बाहर। बाप रे क्या खाया ये। अठारह 19 20 21 22 रन, चार बॉल में 22 रन। अच्छा पांच बॉल में 22 रन। अरे देवा, नहीं नहीं हो गया भाई। एक खराब ओवर जाते हुए काफी ज्यादा नाखुश अपने आप से सौरभ। छब्बीस रन आते हुए इस ओवर में। 12 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। दूसरा ओवर लेकर के आ रहे हैं सुशांत, सामना करेंगे शैलेश। बैटिंग पावर प्ले घूम जा।
एक अच्छे मोड़ पे आ पहुंचा है यहां पर यह मुकाबला। कप्तान ने अगली ओवर की कमान सुशांत के हाथों में दी और खुद मेरे सामने आके खड़े हो गए और एंड इट क्लियर्स द बाउंड्री विद सिक्स। अच्छी गेंद, वाइट के इंतजार में थे शैलेश। रिव्यू लेते हुए अपने इसके पश्चात एक और मुकाबला खेला जाना है एलई शूटर्स वर्सेस एचजेडी राइजर्स के मध्य। एक दमदार मुकाबला, दोनों ही शानदार टीमें। यह मुकाबला निश्चित ही पीएस फाइटर्स के हाथों से फिसल चुका है, जैसा कि गेंद फिसल रही थी उनके हाथों से। और व्हाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। एक अच्छी गेंद, घुमा के खेलना चाहते थे शैलेश। निश्चित ही रिस्क लेने से थोड़ा सा बचेंगे, क्योंकि अपने खेमे में आए हुए एक मैच को और व्हाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। इसी के साथ मैच यहां पर ड्रॉ होते हुए 88-88। वाह क्या स्कोर है, एक रन जीत के लिए गैलेक्सी स्टार्स को। और इसी के साथ गैलेक्सी स्टार्स ने यह मुकाबला जीत लिया है।